यहाँ है दिल्ली के एक टिबेटन एरिया में जिसका नाम है मजनू का टीला। ये जगह टिबेटन कल्चर से घिरा हुआ है, जहाँ पे आपको टिबेटन कल्चर ही नहीं बल्कि सिक्किम का, नेपाल के भी कल्चर देखने को मिलेंगे। और वहाँ के डिलीशियस फूड, मतलब खाने की चीज़ें, वहाँ का डेकोरेशन का सामान यानी डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो चलो अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं टिबेटन मार्केट को। तो हम ऑटो में बैठ चुके हैं और ऑटो चलते ही रुक गई। तो हमने विश्वविद्यालय से उतर के ऑटो ले लिया है। तो ऑटो वाले भैया ने हमें यहाँ उतार दिया है रिक्शे के स्टैंड के पास, और ये ऊपर ब्रिज है जहाँ से क्रॉस करके हमें अंदर की तरफ जाना है, और उस साइड पड़ेगा मजनू का टीला। तो आज हम तीनों यहाँ पे आए हुए हैं मजनू का टीला एक्सप्लोर करने के लिए, और हम तीनों पहली बार आए हैं, पहला एक्सपीरियंस होगा, और जैसे जैसा हमें फील होगा, जैसा हमें लगेगा, वो हम आपको बताते जाएंगे। तो मजनू के टीले के मार्केट में हमने एंटर कर लिया है, और आसपास यहाँ पे देखो भाई बहुत सारी टिबेटन कल्चर से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें मिल रही हैं। रिंग्स वगैरह है, इयर रिंग्स है, बैंड्स वगैरह भी है। मजनू के टीले को स्मॉल टिबेट भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पे टिबेट के लोग रहते हैं, और साथ ही साथ टिबेटन कल्चर देखने को मिलता है। तो ब्रिज से उतरते ही पीछे की तरफ हमें जाना पड़ेगा मार्केट के लिए। तो ब्रिज है, ब्रिज के बिल्कुल साइड में यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बना हुआ है टिबेटन स्टाइल में, और इसी के अंदर मार्केट पड़ता है। ये न्यू अरुणा नगर कॉलोनी में पड़ता है। तो मजनू के टीले में हमें सिर्फ टिबेटन ही नहीं, नेपाली, सिक्किम की और बाकी और भी जगह की हमें यहाँ पे डिशेस ट्राई करने को मिलती है। तो अगर आप आते हो और आप फूड लवर हो तो आपको यहाँ जरूर आना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे वगैरह है। यानी इंडिया के जो नॉर्थ साइड की जो भी जगह है वहाँ की ज्यादातर फेमस चीज यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो ये देखो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी रेस्टोरेंट्स है, यहाँ पे ना ऐसी छोटी छोटी गलियां हैं जहाँ पे बहुत सारे शॉप्स लगे हुए हैं, जो कि बहुत ही प्यारे लगते हैं। हम अभी मार्केट के बीचों बीच आए और हमने एक चीज़ नोटिस की कि यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम्स काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं, और काफ़ी सुंदर सुंदर भी मिलते हैं, और अफोर्डेबल प्राइसेस में भी मिल जाते हैं। यहाँ पर टिबेटन मोनास्ट्रीज भी है जिसको हम देखेंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैंने भी सुना है कि यहाँ पर लाफिंग करके कोई टिबेटन डिश होती है जो कि काफ़ी फेमस है। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर वेज हुआ तो जरूर खाऊंगी, वरना नहीं खाऊंगी। तो सामने ही हमें दिख चुका है एक टिबेटन मोनास्ट्री, ये देखो। वैसे ही बुद्धिज्म में ऐसे प्रेयर को घुमाते हैं और प्रे करते हैं। तो मोनास्ट्रीज को घूमने के बाद अब हमें लगी है भूखी। तो हमने सुना है कि यहाँ का टिबेटन एक डिश है जिसको बोलते हैं लाफिंग। मैं बोल रही हूँ वो लाफिंग हमने सुना है कि काफी फेमस है, तो हम ट्राई करेंगे, देखेंगे कैसा टेस्ट है। सामने यहाँ पे एक शॉप लगी है, तो यहाँ से ट्राई करते हैं। जो लाफिंग होता है वो वेज होता है, नॉन वेज? प्योर वेज ना। चलो फिर तो खा सकती हूँ मैं। तो मोनास्ट्री के बिल्कुल सामने यहाँ पे एक छोटी सी शॉप है जिसके नीचे यहाँ पे कुछ मेन्यूज दिए गए हैं। लाफिंग के भी यहाँ पे कुछ टाइप्स होते हैं जो मुझे पता नहीं था। तो रेसिपी देख लो भाई लाफिंग बनने की। ये येलो किसका होता है? तो मैदा और आटे की डिश है ये। और ये क्या होता है? सोया। अच्छा ओके, ये तो वाई वाई है। तो ये हमारा बन के आ चुका है। इसको टेस्ट कुछ खास नहीं लगा, अब इसको हमने छोड़ा एक और खाने के लिए, अब रो रही है खाती है। सही में इसको एक बारी में पूरा खाना होता है, मुंह भर गया हूँ माया। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं इतना अच्छा नहीं है, बट बुरा भी नहीं है, मतलब बढ़िया है। मुझे तो बहुत अच्छा लगे। इसके बनाओ, इसके मुंह पे लगाओ। लाफिंग है, इसने हमें क्राई कर दिया। तो दोस्तों मैं दुकान से दूर आ गई हूँ और मैं आपको अब असली रिव्यू दूंगी। वो ये है कि यार वो जो लेयर बनी थी ना ऐसे गोल पीली वाली, वो मुझे ज्यादा बढ़िया नहीं लगी, मतलब उतर नहीं थी गले से, काफी अजीब सा टेस्ट था। बाकी उसके अंदर जो वाइवर्ड आई थी ना मैगी जैसी, वो थोड़ी बढ़िया थी।
तो मतलब एक बार तो ट्राई करना बनता है, उसके बाद अगर आपको पसंद आया तो आप खा सकते हो। बाकी मेरे हिसाब से एवरेज थी। लगभग आधा हमने मार्केट एक्सप्लोर कर लिया है, जो कि हमें काफी बढ़िया लगा। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो काफी प्यारा है, यहाँ के खाने पीने की चीजें भी बढ़िया है। तो ये मोनास्ट्री का बिल्कुल फ्रंट साइड है, जो कि अभी लॉक्ड है, ठीक है। कब खुलता है ये सब तो मुझे पता नहीं, बट अगर मुझे पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगी। तो मोनास्ट्री के आसपास बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रीट्स है जो कि काफी प्यारी लगती है। आप लोग इसके मतलब बैक साइड आओगे ना, तो आपको यहाँ पे प्रेयर भी बहुत सारी मिलेंगे। मोनास्ट्री के आसपास ना बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी गलियां हैं, जहाँ पे छोटे छोटे शॉप्स लगे हैं, कैफेज लगे हुए हैं, खाने पीने की चीजें हैं और क्लोथ की स्टोर्स वगैरह भी है। तो यहाँ पे शॉप के पीछे ये देखो, आपको ये दिख रहा है, ये जापानीज चाइनीज जो भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो ऐसे ऐसे यहाँ पे खाने की चीजें भी मिल जाती है, और यहाँ पे ऐसे कुछ नूडल्स वगैरह भी मिलते हैं। ये देखो, जितना अंदर जाओगे उतनी सारी गलियां आपको दिखेंगी यहाँ पे। कहीं पे ज्वेलरीज की है, कहीं पे शूज की है। तो यहाँ पे कुछ ऐसी शॉप है, यहाँ पे छोटी छोटी कैंडीज वगैरह की भी शॉप है। ये देखो, तो यहाँ पे काफी कोरियन चीजें भी हैं खाने पीने की, जैसे कैंडीज वगैरह जो भी होती है। ये देखो यहाँ पे कुछ ऐसा है, और आपने यूट्यूब में देखा होगा लोग ऐसे चैलेंज वगैरह करते रहते हैं, सूप वगैरह खाते हैं चिली वाला, और वो सब भी है। और यहाँ पे ऐसे कुछ कैंडीज भी है। ये तो काफी ज्यादा फेमस है, ये देखो फुल फायर। यहाँ पे कोरियन का पूरा शॉप ही है, आप चाहो तो कोरियन चीजें खरीद सकते हो यहाँ से। ये देखो पूरा स्टोर है यहाँ पे। तो यहाँ की गलियाँ ना हमें काफ़ी प्यारी लगी, हमें लगा था छोटा सा ही होगा, लेकिन अंदर अंदर इतनी सारी गलियाँ हैं ना कि हम कंफ्यूज हो जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा और किस गली से जा रहे हैं, किस गली से निकल रहे हैं हम। अगर यहाँ पे आते हो तो फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आना, क्योंकि यहाँ पे हैंग आउट करने का एक बहुत बढ़िया जगह है। और काफी एस्थेटिक लग रहा है, सारी की सारी चीजें इतनी प्यारी है ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो हम अंदर आ चुके हैं, और यहाँ पे ऐसे पोस्टर्स भी है, बुद्धा जी का पोस्टर है यहाँ पे, बुद्धा जी के स्टैचूज वगैरह भी है, और ऐसे ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ होता है ना कोट्स टाइप के। तो यहाँ पे ऐसे स्ट्रीट्स वगैरह में ऐसे हाफ जैकेट वगैरह का हमने प्राइस पूछा, 1200 बता रहे स्टार्टिंग प्राइस, मतलब बढ़िया प्राइस है, मतलब 1200 से स्टार्ट है, 1200-1500 में आपको बढ़िया विंटर के क्लोथ्स वगैरह मिल जाएंगे। तो मतलब अफोर्डेबल लगा मुझे, बढ़िया लगा। ब्रिज से उतरते ही सामने हमें एक शॉप दिखाई दी है, जहाँ पे काफी हैंडीक्राफ्ट और काफी चीजें देखने को मिल रही थी। चलो अंदर चलते हैं और देखते हैं। और यहाँ पे सामने हमें एक भैया मिले हैं, जो कि हमें कुछ कुछ चीजें बताएंगे। पॉइजन रिंग हो गई, इसको पॉइजनिंग इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे जो बाहर के लोग होते हैं कुछ छुपा दे। तो यहाँ पे शॉप में हमें काफी डेकोरेटिव आइटम्स मिले हैं, कुछ भगवान जी के ऐसे छोटे छोटे स्टैचूज डेकोरेटिव आइटम्स भी है। तो इन शॉप्स में आपको ऐसे स्टोन्स की काफी चीजें मिल जाएंगी, लाइक बैंगल्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स और पेंडेंट्स वगैरह। ये देखो बहुत सारी चीजें यहाँ पे। तो इस शॉप में मुझे ये इयररिंग्स काफी ज्यादा पसंद आई, तो मैं सोच रही हूँ ले ही लेती हूँ। डिस्काउंट 90 का था, मुझे 70 में मिला है, थैंक यू। तो इसे सिल्वर स्टोन कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि ये जो है ये मनी को अट्रैक्ट करते हैं, तो लोग अपने पास इसे रखते हैं ताकि उनके पास धन राशि हो। भाई हद से ज्यादा भारी है ये सिल्वर स्टोन, बोल रहा है मनी अट्रैक्ट करती है, मनी को पैसा आएगा, घर पे पैसा आकर इसे रखोगे तो अमीर बन जाओगे, अम्मानी को भी पीछे छोड़ दोगे, तो खरीदो आज खरीदो इसको और घर पे पैसे पाओ। तो जब मैं डिबेटन मार्केट में घुसी मजनू के टीले में, मुझे लगा कि शायद यहाँ पे सारी चीज़ें कॉस्टली वगैरह होंगी, बहुत महंगी होंगी, बट ऐसा नहीं है, आपको अच्छे प्राइसेस में शॉप में चीज़ें मिल जाएंगी। घूमते घूमते फाइनली हम आ चुके हैं मार्केट के बाहर। तो जहाँ से हमने एग्जिट किया है वो है वेलकम गेट नंबर 5, जो कि हमारे लिए एग्जिट गेट बन गया है फिलहाल। तो यहाँ पे बहुत सारे गेट्स हैं जहाँ से आप अंदर एंटर कर सकते हो। तो ये जो एरिया है मजनू का टीला, ये काफ़ी ज़्यादा वाइड तो नहीं है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ की छोटी छोटी गलियाँ जो है, यहाँ की खाने की चीज़ें, यहाँ का जो कल्चर है वो काफ़ी प्यारा है और लोगों को अट्रैक्ट करता है यहाँ आने के लिए। तो अगर आप दिल्ली NCR के आसपास से बिलोंग करते हो तो आपको यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए और टिबेटन कल्चर को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो कैसा लगा व्लॉग जरूर बताना, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं आपको अगले सफर में, तब तक के लिए जय हिंद।